हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को CBSE का 2010 का रिपीटेड स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन समझाऊंगी। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैथा डिसाइड टू राइट अ स्टोरी, यानी मैदा ने स्टोरी लिखने का डिसाइड करा टू बी पब्लिश, उसे पब्लिश कराने के लिए स्कूल मैगजीन में। लेकिन बट ड्यू टू टर्मिनल एग्ज़ाम इन द स्कूल, लेकिन उनके टर्मिनल एग्ज़ाम है स्कूल में, शी बिकेम बिजी, तो वो काफ़ी बिजी हो गई एंड लॉस इंटरेस्ट इन द स्टोरी। इसके साथ उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी स्टोरी को लिखने में खो दिया। कंप्लीट हर स्टोरी यूजिंग योर इमेजिनेशन, तो अब आप लोगों को स्टोरी को कंप्लीट करना है अपनी कल्पना को लेते हुए। अब क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ नीचे गिवन है। देयर वॉज एन एनुअल इंस्पेक्शन इन द स्कूल, स्कूल में सेलिब्रेशन था एनुअल इंस्पेक्शन का। ऑल द टीचर्स, जो सभी टीचर्स थे, एंड स्टूडेंट्स वर बिजी, और सभी स्टूडेंट जो थे वो काफ़ी बिजी थे डेकोरेटिंग द स्कूल, स्कूल को सजाने के लिए। मिथुर वॉज आस्क डेकोरेट द वॉल्स ऑफ द मेन कॉरिडोर, मिथुर को बोला गया कि वो गलियारों की दीवारों को सजाए, यानी मेन कॉरिडोर को। बट शी वॉज टेकिंग नो इंटरेस्ट इन डैट, लेकिन उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड सिटिंग ऑन द बेंच, और वो चुपचाप जा कर के बेंच पर बैठ गया। एक्चुअली यस्टरडे, दरअसल उसने डैश। तो अब स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, 80 वर्ड्स होना कंपलसरी है। स्टोरी को समझना शुरू करते हैं। व्हेन शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से लौट रही थी, शी सो सम किड्स बैगिंग इन द स्ट्रीट, उसने देखा कि सड़क पर कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं। एंड शी फेल्ट पिटी फॉर देयर मिसरेबल कंडीशन, यानी उसको उनकी सिचुएशन पर काफ़ी ज़्यादा तरस आया, उसने पिटी फील करा उन लोगों की कंडीशन पर। द होल नाइट शी वॉज थिंकिंग ऑफ दोस, वो सारी रात उन बच्चों के बारे में सोचती रही जो हाफ नेक थे, यानी वो लोग जो थे, जो बच्चे थे वो अधनंगे थे। नेक्ड किड्स एंड देयर आईज, तो वो उन बच्चों के बारे में सोचती रही। शी क्लियरली फेल्ट दैट शी मस्ट डू समथिंग फॉर देम, उन्होंने सोचा कि उनके लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन दिस माइंडसेट उनके दिमाग में आया। शी वेंट टू द प्रिंसिपल रूम, वे प्रिंसिपल रूम गई, वेंट मतलब जाना, प्रिंसिपल रूम। एंड टॉल द प्रिंसिपल डैट, उन्होंने प्रिंसिपल को बताया, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन डेकोरेशन, हमें सजावट पर खर्च करने की बजाय, वी शुड डू समथिंग फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, हमें गली के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। एंड सेलिब्रेट आर एनुअल डे विद देम, इसके साथ हमें अपना एनुअल डे उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी मनाना चाहिए। द प्रिंसिपल वॉज टच बाय मिधुर फीलिंग, जो प्रिंसिपल थी उनको मिधुर की ये बात काफ़ी इमोशनली टच कर गई। एंड डिसाइड टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन इन मिधुर वेस, और उन्होंने डिसाइड करा कि वो एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगी जैसा मिधुर ने उनको बताया। तो यहाँ से स्टोरी राइटिंग होती है बच्चों कंप्लीट। आप भी अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आप इसे बहुत अच्छे से लिख पाएँ।